हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, बाइक्स की जो सेल्स फिगर्स है मई के महीने की वो आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टॉप 10 लिस्ट में कौन कौन सी बाइक्स ने अपनी जगह बनाने पाई थी मई के महीने में। तो अगर आपको सभी डिटेल्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पिछले महीने कौन सी बाइक कितने नंबर की पोजिशन पर थी और इस महीने कौन सी बाइक कितने नंबर पोजिशन पर है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी मॉडल्स कितनी बिकी है बाइक मैन्युफैक्चरर्स की, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अप्रैल के महीने की तरह 10 नंबर पे जो बाइक है ये बाइक है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मई के महीने में टोटल सेल्स हुई है 35,998 यूनिट्स। वहीं ये बाइक अप्रैल में टोटल सेल्स हुई थी 35,196 यूनिट। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बाइक है इंडिया में। इस बाइक में आपको 346 सीसी का इंजन मिल जाएगा, 19 bhp का पावर मिल जाएगा, 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा और डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इस बाइक को लेना तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये बाइक आपको मिलेगी 1,74,000 रुपीज़ में। और इस बाइक से जो आपको माइलेज मिलेगा वो 35 से 38 kmpl तक का बीच का मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारी 10 नंबर पे बाइक थी रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350। देखते हैं अब 9 नंबर पे कौन सी बाइक है। दोस्तों, जो हमारी 9th नंबर पे बाइक है वो है बजाज की CT 100। और अप्रैल के महीने पे इस जगह पे थी TVS की अपाची सीरीज़, और मई के महीने में है बजाज की CT 100। बजाज की CT 100 टोटल सेल्स हुई है मई के महीने में 45,693 यूनिट्स। और वहीं अप्रैल के महीने में इस बाइक की जो टोटल सेल्स थी वो थी 38,709 यूनिट्स। बजाज सिटी काफ़ी चीपेस्ट बाइक है जो आपको इंडिया में मिल जाएगी, और इस बाइक की जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस बाइक से आपको 80 से 82 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। इसमें आपको 100 cc का एग्जॉस्ट टेक इंजन मिलता है, 8.1 bhp का पावर आपको मिल जाएगा और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप बजाज सिटी 100 को ले, तो इस बाइक के लिए आपको पे करने होंगे ऑन रोड न्यू दिल्ली में 44,000 रुपीज़। तो दोस्तों, ये हमारी 9th नंबर पर बाइक थी बजाज की CT 100। अब देखते हैं 8th नंबर पर कौन सी बाइक है। दोस्तों, जो हमारी 8 नंबर पे बाइक है ये है TVS की अपाची सीरीज़। और दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी अपाची सीरीज़ में बाइक आती है सभी को मैं इस लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो TVS की अपाची सीरीज़ अप्रैल के महीने पे थी 9th नंबर पोजीशन पे, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन मई के महीने में ये बाइक आ गई थी 8 नंबर पोजीशन पे। तो TVS अपाची सीरीज़ टोटल सेल्स हुई थी मई के महीने में 41,398 यूनिट्स। वहीं अप्रैल के महीने में ये टोटल बाइक्स बिकी थी अपाची सीरीज़ में 43,499 यूनिट्स। TVS अपाची सीरीज़ बाइक और जो सबसे ज़्यादा अभी सेल होने वाली बाइक है वो है TVS की अपाची RTR 164V। अपाची RTR 164V को अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये बाइक आपको मिलेगी 1,06,000 रुपीज़ में। इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 159 cc का इंजन मिलेगा, 16.4 bhp का पावर मिल जाएगा 8,000 rpm पे, और आप चाहे तो इसमें फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं। 14.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा 6,500 rpm पे, और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। इस बाइक से आपको माइलेज मिल जाएगा 43 से 45 kmpl तक के बीच में। तो दोस्तों, ये हमारी 8 नंबर पे बाइक थी TVS की अपाची सीरीज़। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में 7th नंबर पे कौन सी बाइक है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में जो 7 नंबर पे बाइक है ये एक और बाइक है बजाज की तरफ से, और बजाज इस बाइक की टैगलाइन यूज़ करती है वर्ल्ड माइलेज चैंपियन के नाम से। इस बाइक का नाम है बजाज प्लेटिना। बजाज प्लेटिना दोस्तों 7th नंबर पे है मई के महीने में, और पिछले बार अप्रैल के महीने पे इस जगह पे थी हीरो की पैशन सीरीज़। तो बजाज प्लेटिना टोटल सेल्स हुई है मई के महीने में 59,938 यूनिट्स। वहीं अप्रैल में इस बाइक की जो टोटल सेल्स हुई थी वो 67,599 यूनिट्स थी। बजाज प्लेटिना में आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है, और अभी इसमें एक और न्यू वेरिएंट को भी ऐड किया गया है जिसका नाम है बजाज प्लेटिना एच गियर। बजाज प्लेटिना एच गियर में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, उसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाएगा। वो जो इंजन के साथ आती है उसमें आपको 110 cc मिलेगा, और आप चाहे तो 102 cc इंजन के साथ भी जा सकते हैं। तो 102 cc इंजन के साथ अगर आप जाएंगे अगर प्लेटिना के साथ, तो उसमें आपको 8.1 bhp का पावर मिल जाएगा, 8.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। इस बाइक में आपको LED DRL भी मिल जाएगा, नाइट्रॉक सस्पेंशन भी मिल जाएगा, और माइलेज की बात करें तो बजाज प्लेटिना से आपको 78 से 83 kmpl तक का माइलेज मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बजाज प्लेटिना को खरीदना तो इसकी जो लोअर वेरिएंट की ऑन रोड न्यू दिल्ली आपको प्राइस पड़ेगी वो 54,000 रुपीज़ पड़ेगी। और वहीं अगर आप बजाज प्लेटिना एच गियर को खरीदना चाहते हैं तो उसकी आपको प्राइस पड़ेगी 66,000 ऑन रोड न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों, ये हमारी 7th नंबर पे बाइक थी बजाज प्लेटिना। अब हम लोग देखते हैं इस लिस्ट में जो 6th नंबर पे बाइक है उसकी तरफ।
दोस्तों हमारी इस लिस्ट में जो 6 नंबर पर बाइक है ये इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो की है और इस बाइक का नाम है हीरो ग्लैमर। पिछले बार जो अप्रैल के महीने पे इस जगह पोजीशन पे जो बाइक थी वो बजाज की प्लेटिना थी, लेकिन मई में 6 नंबर पे जो है वो हीरो की ग्लैमर है। हीरो की ग्लैमर की टोटल सेल्स हुई है मई में 69,379 यूनिट्स और वहीं अप्रैल में इस बाइक की टोटल सेल्स हुई थी 67,829 यूनिट्स। दोस्तों हीरो ग्लैमर काफ़ी अच्छी 125 cc की बाइक है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टेड वेरियंट भी मिल जाता है और इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 124 cc का इंजन मिलेगा जो 8.9 bhp का पावर जनरेट करेगा 7000 rpm पे और आपको इसमें 10.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा 4000 rpm पे। हीरो ग्लैमर से आपको 50 से 55 km तक का माइलेज मिल जाएगा और अगर आप चाहते हैं इस बाइक को लेना तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको इस बाइक के लिए पे करने पड़ेंगे 68,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये हमारी 6 नंबर पर बाइक थी हीरो की ग्लैमर। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट में जो 5 नंबर पर बाइक है उसकी तरफ। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में जो 5th नंबर पे बाइक है ये एक पूरी सीरीज़ है और ये सीरीज़ है हीरो पैशन सीरीज़। हीरो पैशन सीरीज टोटल सेल्स हुई है मई में 69,379 यूनिट्स और वहीं अप्रैल में हीरो पैशन सीरीज टोटल सेल्स हुई थी 59,138 यूनिट्स। पिछले बार अप्रैल के महीने में जो 5th नंबर पे बाइक थी वो ग्लैमर थी, लेकिन मई के महीने में 5th नंबर पे बाइक आ गई है हीरो की पैशन। हीरो की पैशन में हम लोग पैशन प्रो के बारे में थोड़े ओवरव्यू ले लेते हैं। तो पैशन प्रो में आपको 97 cc का इंजन मिलता है जो कि 8.2 bhp का पावर जनरेट करता है और 8.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन काफ़ी रिलायबल है और वहीं दोस्तों अगर आप हीरो पैशन सीरीज बाइक की अगर रीसेल वैल्यू की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप पैशन प्रो की माइलेज की बात करें तो आपको 65 से 70 km तक का माइलेज मिल जाएगा और ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको पैशन प्रो मिल जाएगी 59,300 रुपीज़ में। तो दोस्तों ये हमारी 5th नंबर पर बाइक थी हीरो की पैशन सीरीज। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट में जो 4th नंबर पर बाइक है उसकी तरफ। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में जो 4th नंबर पे बाइक है ये एक और बाइक आ गई है बजाज की तरफ से और ये बाइक नहीं है पूरी सीरीज़ है और ये सीरीज़ है बजाज की पल्सर सीरीज़। बजाज की पल्सर सीरीज़ टोटल सेल हुई है मई में 86,145 यूनिट्स और वहीं अप्रैल के महीने में बजाज पल्सर्स की जो टोटल सेल्स थी वो 75,589 यूनिट्स थी। वैसे तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि बजाज पल्सर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाली बाइक है वो बजाज पल्सर 150 है। तो बजाज पल्सर 150 में आपको 149 cc का इंजन मिल जाता है, 13.8 bhp का पावर मिल जाएगा 8000 rpm पे और 13.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा 6000 rpm पे। इस बाइक में आपको 45 से 50 km तक का माइलेज मिल जाएगा और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलेगा। इसमें अभी आपको काफ़ी सारे वेरिएंट भी मिल जाते हैं, इसमें आपको ट्विन डिस्क वाली भी वेरिएंट मिल जाएगी जिसमें आपको और अच्छे फीचर्स मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं बजाज पल्सर 150 को तो इसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में पे करने पड़ेंगे 78,000 रुपीज़ इसके स्टैंडर्ड वेरियंट के लिए। तो ये हमारी 4th नंबर पर बाइक थी बजाज की पल्सर सीरीज। अब देखते हैं इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पर बाइक है उसकी तरफ। दोस्तों पिछले बार की तरह इस बार भी 3rd नंबर पे जो बाइक है वो है होंडा की सीबी साइन। होंडा की सीबी साइन इंडिया में सेल होने वाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर 125 cc बाइक है। होंडा सीबी साइन मई में टोटल सेल हुई है 92,069 यूनिट्स और वहीं अप्रैल में होंडा सीबी साइन की जो टोटल सेल्स यूनिट थी वो 82,315 यूनिट्स थी। तो दोस्तों होंडा सीबी साइन में अभी सबसे ज़्यादा बिक्री है होंडा की सीबी साइन SP। तो सीबी साइन SP में आपको 124 cc का इंजन मिल जाएगा, 10.5 bhp का पावर मिल जाएगा 7500 rpm पे और 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा 5500 rpm पे। होंडा सीबी साइन में आपको CBS मिल जाएगा जिसको होंडा बोलती है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। और दोस्तों सीबी साइन में आपको 50 से 55 km तक का माइलेज मिल जाएगा और अगर आप चाहते हैं इस बाइक को लेना तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे ऑन रोड न्यू दिल्ली में 76,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये हमारी 3rd नंबर पर बाइक थी पिछले बार की तरह। इस बार भी होंडा सीबी साइन अपनी पोजीशन को बरकरार रखी है मई में और अप्रैल के भी महीने में होंडा सीबी साइन ही थी 3rd नंबर पर। तो अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो 2nd नंबर पर बाइक है उसके बारे में। तो जो 2nd नंबर पे बाइक है ये एक और बाइक आ गई है हीरो की और इस बाइक का नाम है हीरो HF डीलक्स। हीरो HF डीलक्स की जो टोटल मई में सेल्स हुई है वो 1,83,255 यूनिट्स हुई है और वहीं अप्रैल में इस बाइक की जो टोटल सेल्स थी वो 1,82,029 यूनिट्स थी। तो अप्रैल के भी महीने में 2nd नंबर पे हीरो HF डीलक्स ही थी और अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए मई के भी महीने में हीरो HF डीलक्स 2nd नंबर ही पोजीशन में है। इस बाइक में आपको वही सेम इंजन मिलता है जो आपको पैशन प्रो में मिलता है, 97 cc का ये इंजन है,
लेकिन इसमें हल्की सी डिट्यूनिंग कर दी है कंपनी ने, जिसके वजह से इसमें आपको पावर हल्की सी कम देखने को मिलती है। इसमें आपको 7.8 bhp का पावर मिलता है और 8.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसका भी इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और हीरो एचएफ डीलक्स में आपको 70 से 75 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हीरो एचएफ डीलक्स को लेना, तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 49,600 रुपीज़ ऑन रोड न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों, ये हमारी सेकंड नंबर पे बाइक हो गई। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे बाइक है उसके बारे में। हमेशा की तरह फर्स्ट नंबर पे अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए जो बाइक है वो है हीरो की स्प्लेंडर सीरीज। हीरो स्प्लेंडर सीरीज टोटल सेल्स हुई है मई में 2,67,450 यूनिट्स, और वहीं इस बाइक की जो अप्रैल में सेल्स थी टोटल वो थी 2,23,532 यूनिट्स। दोस्तों, हीरो स्प्लेंडर सीरीज में यहाँ मैं सभी स्प्लेंडर सीरीज की बाइक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे सुपर स्प्लेंडर हो गई, स्प्लेंडर आई स्मार्ट हो गई, तो ये सब सभी बाइक्स को मैं इस लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बाइक बिकती है वो स्प्लेंडर प्रो या आप स्प्लेंडर प्लस को बोल सकते हैं। तो स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस में आपको सेम इंजन मिलता है जैसे एचएफ डीलक्स और पैशन प्रो में मिलता है, 97cc का ये इंजन है, लेकिन इसमें आपको 8.2 bhp का पावर मिलेगा। टॉर्क आपको सेम ही मिलेगा पैशन प्रो और एचएफ डीलक्स जैसा 8.05 न्यूटन मीटर का, और इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है जैसा मैंने आपको अभी तक सभी हीरो की बाइक्स में बोला है, और इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा 70 से 73 kmpl तक का। स्प्लेंडर प्रो को लेना चाहते हैं तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये बाइक आपको मिलेगी 56,000 रुपीज़ पे। तो दोस्तों, यही हमारी सेल्स फिगर्स थी मई की, और अगर आपको ये सेल्स फिगर्स अच्छी लगती है, अगर आपको ऐसी सेल्स फिगर्स हर महीने चाहिए बाइक्स की, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।